वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। कृष्णा तत्व न जाने
हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो श्री गुरु चरणमले चार आश्रम है। उन चार आश्रमों में गृहस्थाश्रम मुख्य है। पूजनीय आदरणीय संन्यास आश्रम है, परंतु आश्रमों में मुख्य गृहस्थाश्रम है। तो गुरु ब्रह्मचारी भी गृहस्थों के आश्रित रहते हैं और गृहस्थ भी गृहस्थों के आश्रित रहते हैं। वानप्रस्थ भी गृहस्थों के आश्रित रहते हैं। सन्यासी भी गृहस्थों के आश्रित रहते हैं। पैदा करने वाला और पालन करने वाला गृहस्थ आश्रमी है। इस वास्ते गृहस्थ आश्रम के ऊपर जिम्मेवारी है। कोई पर कोई घर पर आ जाए तो उसके देव खिलाओ, पालन पोषण करो, ये खास बात है। इसमें प्रश्न आया है कि मांगने वाले आते हैं, वो अपनी दीन दशा दिखाते हैं और लेकर के पैसों का दुरुपयोग करते हैं, मदिरा मांस आदि का सेवन करते हैं और ये सेवन करने के कारण इतने नहीं है, बैंकों में रुपया जमा रहते हैं उनको। ऐसी बात हमने सुनी है और मांगते हैं, तो अब कृष्ण की क्या क्या करें, हम कैसे करें? अगर नहीं देते हैं तो कृष्ण आश्रम का धर्म है उसका पालन नहीं होता, देते हैं तो दुरुपयोग होता है, तो हम क्या करें? ये प्रश्न इस पर मनुजी महाराज ने कहा है, जो अपने गांव में ही रहते हैं, केवल दूसरों को मांग करके ही अपना काम करते हैं, चाहे जैसे आदरण करते हैं, एक उसी को एक धंधा बना रखा है, ऐसे करते उनको नहीं देना चाहिए। असल में ब्राह्मणों को ये नहीं कहता हूँ मैं, ब्राह्मणों को तो बताया चार छह कर्म बताए, दान देना, दान लेना और वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, इसमें दान लेना और पढ़ाना और यज्ञ करवाना, ये तीन जीविका बताई। तो उनके लिए तो जीविका बताई और दूसरे जो मांगने के लिए लग गए उनके लिए निषेध आया है कि ना दे, और ऐसे दुराचार आदि में प्रवृत्त होते हैं। उनके लिए यहाँ तक पहली बात बताई है कि राजा को चाहिए उनको पकड़ करके, और कौवे का पंजा है ऐसा, लोहे का पंजा, तांबे का पंजा तपा कर वो ध्यान में चेक देना चाहिए, जिसे कोई ठगी में ना आए, और उनको ध्यान नहीं चाहिए कुछ भी गृह को देना विषय मिला। उनको कहना है दुराचारों का प्रचार करना है, प्रोत्साहित करना है, इस वक्त उनको नहीं देना चाहिए, परंतु हमारे को परीक्षा नहीं होती क्या करें, ऐसे है कैसे है, तो उसको इतना ही रोटी दे देनी चाहिए जो भी खा ले। हम कहें तो रोटियां भी बेचते, पैसा तो देना नहीं चाहिए और अनाज खाना भी नहीं देना चाहिए, खाने की रोटी दे देनी चाहिए, वो तो किसी को देना चाहिए। क्यों? अन्न ही प्राणायाम प्राणा, अन्न है प्राणियों के प्राण है, इस वर्ष प्राण निर्वाह प्राण जीव जीवित रहे, प्राण पोषण के लिए बना बनाया अन्न, आज अतिथि सत्कार भी हो गया और वो अंतिम प्यास भी नहीं उठाएगा, कोई न कोई खाएगा ही, इस वर्ष अपने धर्म का निर्वाह भी हो गए। और जो दान देना हो, जैसे स्वर्ण दान है, गौ दान है, भूमि दान है, रुपया पैसा देना है, अनाज देना है, ये दान देना हो तो पात्रता देख कर दे, और कन्या दान देना हो तो केवल पात्रता नहीं है, वहाँ है गोत्र है, कुल
करो, कुलंत शीलंत स्नाभपात विद्यात वित्तंत वपुर यशस्त एकान गुणान सप्त प्रचिंत किया ऐसे चैतन्य शेष मतंजलि और कुछ कारण सात गुण हो रहे थे वहां कन्या देवता उनमें सात में जो हो जितना अधिक से अधिक मिले कुल अच्छा हो स्वभाव अच्छा हो और उनके पक्ष में कितने हैं मिला करूंगा कड़ा वो कितना आ गए दूसरे उनको पक्ष है घर के कितने पक्ष बाकी है और विद्या कैसा लड़का पढ़ा हुआ कैसा है धन कितना आ गए शरीर निरोग है कैसा है उसका और संसार में उस कुल की महिमा कैसी है ये सात चीजें देख कन्या देने चाहिए कहने में कन्यादान भी होता है और भी दान होते हैं उन दानों में अलग अलग विचार किया गया दान का बहुत बड़ा प्रकरण है दातव्य दानम दिए थे अनुपकारी देशे काले से पात्र से तदानम सात्विकम स्मृतम गीता ने सात्विक दान के लक्षण लिखे हैं 17वें अध्याय से 20 श्लोक में तो क्या दातव्यम इति इति जहाँ शब्द आ जाता है ना तो पीछे ना ज्यादा ना कम पूरा वैसा ही केवल देना ही हमारा कर्तव्य है इसलिए जो है कामना का अहंकार अभिमान भलेसाद आसाद करना कुछ नहीं दातव्य इति ये दानम जो दान दिया जाए और दिए थे अनुपकारी ने का अर्थ ये नहीं है कि उपकार किसी ने कर दिया तो उसको देने नहीं है ये अर्थ नहीं है मानो उपकार की भावना लेकर नहीं देना चाहिए भाई ये किसने उपकार किया तो उपकार करेगा दे दो तो उपकार करेगा आजकल है ना जो ब्राह्मण को दान दो तो रसोई करते हैं काम आते हैं उनको दो सभी संबंधियों के ब्राह्मणों को दो उनके रसोई बनाते हैं काम आते हैं उनको तो वे सगे संबंधी हमारे ब्राह्मणों को भी देंगे ऐसे दान करते हैं वो दान दान नहीं है वो ऐसा सोच कर भी करते हैं विचार करके तो ये जो अनुपकारी में है इसका तात्पर्य ही है उपकारी को नहीं देना चाहिए नहीं है तो अनुपकारी ने लिखा है तो उपकारी को दिया जाए उसको दान में भर्ती कभी नहीं करना चाहिए मजदूरी चुकाते हैं ब्राह्मणों से काम तो ज्यादा करा लेंगे दान के पशु को दे देंगे ब्राह्मण के लोग अगर काम को ज्यादा कर देते हैं दान थोड़ा सा देते हैं मजदूरी उनकी पूरी नहीं होती एक दोनों तरफ से गलती होती तो देने वालों को चाहिए इस तरह से देवे अनुपकारी ने और देश एक काले से पात्र यहाँ देश एक काले से पात्र है तो यह पात्र में सप्तम विभक्ति भी है दान पात्र में चतुर्थी होती है यहाँ देश एक काले से पात्र से तत्दान सात्विक हो सात्विक दान होता है तो सात्विक दान होता है तो संप्रदान कहाँ होता है अच्छी तरह से किया जाए संप्रदान ददात चंदम पुरुषो मही पते तथापि भज्यान भगवान कामिया जब दिए थे पात्र तैयार छुपाते तत्दान तो संप्रदान वो संप्रदान होता तो दान संप्रदान देकर पात्र जैसे कार्य पात्र क्यों रहा ऐसी प्राप्ति हो जाए देश की प्राप्ति हो जाए समय की प्राप्ति हो जाए पात्र की भी प्राप्ति हो जाए तो सत्य सत्य ऐसा होने पर दान देना चाहिए तो इसके तात्पर्य दो होते हैं देश का अर्थ होता है जिस देश में जिस वस्तु की बहुत आवश्यकता है जैसे गाय के लिए घास नहीं है जिस देश में अन्न नहीं है खाने के लिए मनुष्य होंगे भी तो वो देश प्राप्त हुआ है ऐसे ही जिस देश में काम दिया जाए जैसे तीर्थ आदि है तीर्थों का स्थान है आदि देश और काल प्रतिपात है आदि अमावस्या पूर्ण आदि पुण्य काल है ऐसे काल जिस समय में जरूर गर्मी के दिन है तो जल पिलाना आदि काल होता है तो काल दोनों तरह का होता है ऐसे देश दोनों तरह के होते हैं ऐसे पात्र भी दोनों तरह के होते हैं मानो काम का पात्र है तो वो पात्र क्या जैसे भूखा है नंगा है तो उसको अन्न दे देना निर्वाह का कपड़ा देना इसमें ज्यादा पात्र का विचार नहीं करना और आजकल के जमाने में ज्यादा बढ़िया पात्र आप देखो ये देखना उचित नहीं है क्योंकि आपका अन्न भी तो बढ़िया नहीं है आपके पैसे भी तो घटिया ही है अच्छे सुपात्र को दो तो बेचारे की कुछ चीज मिल जाएगी इस बार
अपना अपना तृप भी दे देना चाहिए, हमारा तृप भी कैसा है, इस वास्ते देना चाहिए। या देयम या देयम या देयम लज्जा में याद रहना चाहिए, भयभीत होकर बैठ गए, शुद्ध या देयम शुद्ध या देयम ऐसा आता तो वहाँ श्रद्धा से भी हो अश्रद्ध या अदेयम ऐसा निकालते महाराज। अश्रद्धा को नहीं देना चाहिए, जो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम जीत अस्मित चित्ते के पास अनुत्तर प्रेतनो यह श्रद्धा पूर्व जो विधान तप किया जाए वो असत हो जाता है, ना यहाँ हर देता है ना हर विभव देता है। तो सब भाव से श्रद्धा पूर्व देना चाहिए, आदर सहित को वो दान बया अच्छा होता है। देखे काले सात्विकम मानो कामना हमारी कुछ नहीं और अगर जीव हो तो सुपात्र दाना से भेद न जो धनक प्रभावे करो तो पुण्य पुण्य प्रभाव गर्लोकवासी सुनो धनाजय पुण्य होगी और सुपात्र दाना से भेद विद्या दारिद्र जो देन करो तो पापम पाप प्रभाव नरकम प्रयासी पुनर्दरिद्र पुण्य पापी वो अधोगति में चला जाता है। इस वजह से ऐसा नहीं देना चाहिए। अगर ये ठग है धूप है चोर है डकैती करता है ताला भी करता है ठगी करता है ऐसे को देने का पुण्य नहीं है, कुपात्र होते हैं खराब खराब काम करते हैं वो कुपात्र है। तो सुपात्र तया अच्छे से दान दिया जाए कार्य अनुसार, आज बेकार दिया जाता है, आज सरकारी अवसर होते हैं उनको चेरी दी जाती है, मित्र कुपात्र है उनको दी जाए अभावग्रस्त को वृद्धा दृष्टि समुद्र को और वृद्धा भोजन प्रथा जो पहले है उसको भोजन देना, ऐसे समुद्र वर्षा होनी ऐसे जिनके पास है उनको देना निषेध बनाता आवश्यकता के अनुसार दे। और संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में ठीक तरह से दे, और उनके ठीक जो संचालक है वे अच्छे होने चाहिए ठीक तरह से, तो ऐसे देव समुद्र जल्दी करना घर आ जाए फिर सिंह के लिए ये बात कही तो आपको ऐसा मालूम हो जाएगी सूखा है और रात को ये अभावग्रस्त है ऐसा मालूम हो जाए तो ऐसे भी तो धोखा हो सकता है, इतना छान पर मत करो आपकी दृष्टि में अच्छा नहीं हो जाए तो दे दो रोटी दे दो फिर आज कोई हल नहीं, रोटी भी दो ऐसी जो आपकी खाते हो जाएगी। ये बैल तो क्या है संत महात्मा आए तो बढ़िया चीज बनाएंगे और साधा आ जाए कोई साधु रहेंगे तो ठंडी रोटी देंगे कल पशु की पाए देंगे और फल की नहीं बचती है तो फलगे बनाए उन्हें नीचे से फलगा निकाल देंगे। हमारे खराब ईद चले जाए तो बाबा जी चले जाए दो काम ही जाए, ये भावना ठीक नहीं है। अपने खावे दे दीजिए और कोई कहने का आपको अधिकार है, आप नहीं खा सको ठंडा पास अपने खाने से दे दो वो देने का अधिकार नहीं है। जो आप काम में नहीं ले सको आप जाकर रख लो उस आदमी को ले लो, देने का अधिकार नहीं, देने का अधिकार उसी का है जिसको आप तो काम ले सकते हो दूसरे से कहना चाहिए। गीता में 18 अध्याय है तो 6 अध्यायों में कर्म की प्रधानता, 20 के 6 अध्याय में भक्ति की प्रधानता, अगर 6 अध्यायों में ज्ञान की प्रधानता है तो भक्ति है उसको मधुसूदाचार्य ने 3 तरह की माने, कर्म निष्ठा तो शुद्धादेव ज्ञान निष्ठा तो शास्त्रा। पहली कर्म निष्ठा भक्ति है, अगर ज्ञान निष्ठा भक्ति है दूसरे शुद्धा भक्ति है। तो गीता के अनुसार ज्ञान में और भक्ति में जरूर नहीं है, इस वास्ते प्रकृति पुरुषम विद्यनादी विभावती प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा, तो अनादि तो भक्ति सिद्धांत से भी अनादि है ज्ञान सिद्धांत से भी अनादि है, परंतु भक्ति सिद्धांत से अनादि अनंत है और ज्ञान सिद्धांत से अनादि शांत है, तो अनंत और शांत के बीच में सीधा बोलती रही चुप अनादि तो कहती है प्रकृति और पुरुष, परंतु शांत है अनंत है इसमें नहीं कहते। और इस रूप के लिए कहते हैं अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा कहती है साक्षात परमात्मा का परमात्मा स्वरूप है
ज्ञान मार्ग नहीं चलेगा, और शांत कह दे तो भक्ति मार्ग नहीं चलेगा। इस वास्ते जहाँ विरोध हो जाए वहाँ की कचो वहाँ नहीं चलेगी। इस वास्ते ज्ञान में भक्ति में गीता के अनुसार भेद नहीं होता और दोनों में विरोध नहीं होता। भगवद गीता चली है नारायण 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 देखो भाई हम बात कहते हैं समझना ध्यान देकर भगवत गीता में बहुत विशेषताएं हैं। उसमें एक विशेषता तो ये कि भक्ति और ज्ञान में विरोध नहीं। दूसरी बात विलक्षण है जो आपका अनुभव है ना उस अनुभव के अनुसार ही उपदेश दिया गया। आपके अनुभव की तरफ लक्ष्य कराया गया है कि आपका अनुभव है उसी तरफ ध्यान दो। यदि कहते हैं जैसे आप देखते हो कि हमारा शरीर बचपन में और था आज और हो गया तो ये बदलता है। संसार में हम देखते हैं तो सब चीजें बदल रही है और मैं वही हूँ जो बचपन में था तो मैं नहीं बदला हूँ और शरीर बदल गया है। ये दो बात खास गीता की है। भक्ति मार्ग से भी ये है, ज्ञान मार्ग से भी ये है, योग मार्ग से भी ये है। योगा त्रयोमया योगा भगवान ने योग तीन बताए हैं, ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग। तो तीन योग और तीनों में ही ये नश्वर है और स्वयं इसका स्वरूप अविनाशी है। ये सब ही मत में काम की है, किसी मत में जाओ, किसी मत मतांतर में चले जाओ, सार जगह ये बात मिलेगी। आपका वैदिक मत हो चाहे बौद्ध मत हो चाहे यहूदियों का मत हो चाहे पारसियों का मत हो देवलों का हो कोई मत हो ईसाई मत, सब मत में ये बात है। क्योंकि तो मनुष्य मात्र का अनुभव है, इसमें कोई विवाद है ही। तो ये नाशवान है, ये नाशवान को कहते हैं आदमी, परंतु इधर ध्यान नहीं दे रहे नाशवान कैसे छोड़ देते। तो क्या करना कि नाशवान है ना अविनाशी परमात्मा तत्व और ये संसार नाशवान है, ये ज्ञान है। तो ज्ञान है नाशवान का आदर न होकर अविनाशी के अपने स्वरूप का आदर करना, ये ज्ञान मार्ग करना है। तो संसार परिवर्तनशील है, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है। तो परमात्मा के भजन ध्यान में लग जाना है, संसार का काम कर देना है, परंतु संसार की आशा संसार इसका आश्रय नहीं रहना है, आश्रय भगवान का लगना, ये भक्ति है। तो ये अनुभव सबका है कि ये परिवर्तनशील है, रहता नहीं। अब उसको हम कहते हैं नाशवान। तो नाशवान पद आप ध्यान दें, जैसे धनवान होता है आदमी तो धनवान कहलाता है धन के कारण। अगर धन न रहे तो वो धनवान कहलाता है क्या? विद्वान कहलाता है विद्या के कारण, गोमान कहलाता है गायों के कारण। ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी वाले पृथ्वीवान कहलाते हैं, ये राजा है। तो आपके नाश होने के नाशवान कहा तो धनवान के पास धन के सिवाय कोई चीज नहीं है। जिस तरह धनवान कहलाते हैं धन के कारण शुद्ध कहलाते हैं, विद्वान विद्या के कारण कहलाते हैं। तो संसार नाशवान तो इसमें नाश के कारण ही संसार है, सिवाय नाश के रूप में जयराम जी। और क्या करो ये तो नाशवान है, तो परिवर्तन होता ही जाता है। नाशवान के दोनों अर्थ करते हैं, नाशवान का मान उसका अभाव हो जाना और एक परिवर्तन होना। तो परिवर्तन होना का अर्थ क्या हुआ? तो नाश का अर्थ होता है नश, अदर्शन अदर्शन होता है। आप ध्यान देकर सुने, जितना अभी दर्शन हो रहा है ये सब अदर्शन में जा रहा है, सब अदर्शन में जा रहा है। जैसे बाल्यावस्था हम भोगते थे आज वो अदृश्य हो गई, बाल्यावस्था को कोई देखा सकता
है अभी, किसी की है ताकत यदि खाद है तो अदृश्य हो गई। ऐसे अभी अवस्था अदृश्य हो गई, जैसे चातुर्मास में यहाँ रहना है रहना करते थे, अब वो चातुर्मास का बहुत सा समय अदृश्य हो गया। आप आकर के बैठे वो अदृश्य हो गए, अब वो नहीं रहा, वो शरीर नहीं रहे। एक दिन हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र में बदला तो कौन से वर्ष में बदला ऐसा नहीं बता सकते आप। प्रत्येक वर्ष में बदला ऐसा मानना पड़ेगा, और प्रत्येक वर्ष में बदला है वो कौन से महीने में बदला, 11 महीनों में न बदल करके एक महीने में बदला हो ऐसा नहीं कह सकते। प्रत्येक महीने में बदला, और प्रत्येक महीने में बदलता है वो प्रत्येक दिन में बदलता है, ऐसा नहीं 29 दिन में बदला 30 दिन बदल गया हो ऐसा नहीं कह सकते। प्रत्येक दिन में बदलता है, प्रत्येक दिन में बदलता है वो प्रत्येक घंटा में बदलता है, ऐसा नहीं 23 घंटा में नहीं बदला 24 घंटा में सारी तस्वीर पड़ फट बदल गया ऐसा नहीं बदलता। प्रत्येक घंटा में बदलता है, और प्रत्येक घंटा में बदलता है उसको आप ऐसे नहीं कहते थे 19 मिनट में नहीं बदलता 60 मिनट में बदला ऐसा नहीं। प्रत्येक मिनट में बदलता है, और प्रत्येक मिनट में बदलता है 30 सेकंड में बदला ऐसा नहीं कह सकते। प्रत्येक सेकंड में बदलता है, तो रूप क्या हुआ कि केवल परिवर्तन ही जिसका रूप है, स्थाई रूप है ही नहीं। ये बात सबके मान्य है, सबको मानना चाहिए, मान लेना चाहिए पक्की। अब किसके भरोसे आप निकुंज में बैठे हो, आप असली आध्यात्मिक उन्नति न करके किसके भरोसा रखते हो? इस अनुभव का आदर किए बिना आप संसार में फंस ही नहीं सकते, आपको दुख आ ही नहीं सकता। वो आता है सब का सब इस ज्ञान का अनादर अनादर करने से। नाशवान को अविनाश समझ लेते हैं, अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, असत को सत समझ लेते हैं, सुखालय को सुख समझ लेते हैं, उल्टी समझ होने से गलती होती है। तो ये श्रुति समझ सबके लिए कोई मत भेद नहीं है, किसी मत का क्यों ये तो ऐसी ही रहेगी। अब इसमें हिंदुओं के मुसलमानों के फर्क पड़ेगा क्या, यहूदियों के और बौद्धों के फर्क पड़ेगा क्या, बताओ? तो फर्क पड़ने की तो सीधी सारी बात है, परिवर्तनशील है, और भीतर जो देखने वाला है वो अपरिवर्तनशील है, वो नित्य रहने वाला है। हमारे सुबह समय में जरा थोड़ा बारीक विषय चलता है, उसमें कल ही एक प्रश्न आया कि नाशवान तो दिखता है, ये तो सब दिखता है, परिवर्तनशीलता है, विनाशी पर अविनाशी दिखता नहीं। प्रश्न है, मैंने कहा कि विनाशी जिससे दिखता है वो अविनाशी है, अविनाशी के बिना विनाशी के घर को यहाँ आकर 10 आदमी चले गए, सामने हमारे 10 आदमी चले गए, तो 10 आदमी चले गए उनसे ज्ञान अलग है, तब ना करके जाने का समाचार देता। ऐसे ये विनाशी है, ये अनुभव करने वाला अविनाशी है, तब तो विनाशी अनुभव करता है। अगर ये भी फैल जाता तो कौन कहता है विनाशी है? तो जिससे देखते हैं वही अविनाशी है। जैसे हम देखते हैं कि संसार को दिखता है परंतु आंख नहीं दिखती, अरे आंख नहीं दिखती परंतु जिससे संसार दिखता है वो आंख है। अब आंख को ऐसे देख सकते हो, ऐसे अविनाशी को ऐसे देख सकते हो, दिखता वो सब विनाशी है, तो जिससे देखते हो वो अविनाशी है। ऐसे अविनाशी तत्व में स्थित होना ज्ञान मार्ग है। सीधी बात है, जो अविनाशी है उसमें अपनी स्थिति न माने, तो अभी क्या मान लेता है? अपनी स्थिति शरीर में मान लेती है कि शरीर में मैं हूँ, संसार में मैं हूँ, कुटुंब में मैं हूँ, मैं संसार शरीर में हूँ। आप शरीर में कैसे? शरीर को बदलता है, आप बदलते नहीं, आप शरीर में नहीं है। शरीर में आपका अनुभव हो रहा है, ध्यान हो रहा है, प्रतीति हो रही है। तो ये जो विनाशी है आप अविनाशी है, इनके विनाशी के साथ में आपने दो तरह का संबंध जोड़ रखा,
ध्यान से तो सुने जाते ज्ञान की बात है, परंतु तो बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी, हरेक भाई हरेक बहन समझ सकते हैं। एक तो ऐसा संबंध किया है कि आप जो अविनाशी है उन अविनाशी आपने विनाशी में डेरा लगा दिया। दूसरा क्या क्या विनाशी को अविनाशी में डेरा लगा दिया, ये गलती करी मोदी। ध्यान दे उसमें जैसे शरीर विनाशी है उसमें आप जो स्वयं हो अविनाशी वो शरीर के भीतर अपने डेरा लगा दिया, और जो बाहर में चीजें जितनी है इनको भीतर रख लिया। भीतर लग गया ममता कर ली, स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव इनमें लेरापन कर लिया, तो इन विनाशियों को तो अपने में रख लिया और अपने को विनाशी में रख लिया, अब फंस गए। ये खास बात है। तो ज्ञान क्या करता है, ज्ञान विनाशी और अविनाशी को दोनों को ठीक ठीक करता है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सह उन्हींष्टो तत्वदर्शी ही तत्वदर्शी पुरुषों ने इन दोनों का अनुभव किया। दृष्ट है ना अंत दृष्ट, इसका तत्व अनुभव में आए। दृष्ट का अर्थ या अनुभव है, ऋषि धातु का अर्थ देखना भी होता है और जानना भी होता है। पश्चात से स्थानालोचन ऐसा पाणिनी जगह सूत्र है, तो अनालोचने आलोचने दोनों में दृष्ट चलता है, तो पश्चात से स्थानालोचन है, तो आंखों से देखना नहीं है, यहाँ वास्तव में अनुभव करने का नाम है। तो सत और असत विनाशी और अविनाशी दोनों अलग अलग है बिल्कुल, इनका कभी मेल हो नहीं सकता, परंतु इतना मेल कर दिया कि विनाशी में जाकर अविनाशी में डेरा लगा दिया, और विनाशी चीजों को लाकर अविनाशी ने अपने में रख लिया। ये मेरी है और ये मैं हूं, इसका नाम है अहंकार ममता। अपने को डेरा लगा दिया विनाशी में, इसका नाम तो मैं हूं, और विनाशी को लाकर अपने में रख लिया, इसका नाम मेरा है, इसको अहंकार ममता कहते हैं। गीता ने तीन योग बताए, तीनों में भी अहंकार ममता का त्याग बताया। विहाय कामान ये सर्वान कुमान स्तरती निर्निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शशांगी जी, कर्मियों की दृष्टि से निर्मम और निरहंकार होकर शरीर में अपना डेरा न लगावे, अपने में शरीर संसार को न बसावे, तब इसकी परमात्मा के स्वरूप में सिद्धि हो ही जाएगी। और संसार को अपने में बसावे, अपने को जाकर शरीर में बसावे, तो परमात्मा की बातें सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, पर तो अनुभव नहीं हो सकते तत्व का। तो तत्व का अनुभव तब होगा अपने को शरीर में से उठा ले और अपने में से वस्तुओं को उठा ले। उठाने का क्या तात्पर्य, उठाने का तात्पर्य है इनका संबंध होते हुए भी संबंध को स्वीकार न करे। तो संबंध को स्वीकार न करने का क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि शरीर और शरीर के सिवाय कुटुंब और वस्तुएं हैं, ये केवल मेरे को मिली है, न मैं हूं न मेरा है, पर मिली हुई होती है अपनी नहीं होती, मिली है बिखर जाएगी, फिर मैं मेरा सब बिखरेगा। तो पहले मेरा था नहीं, मैं था नहीं, अब मेरा मेरा जीवता है, अगर मैं और मेरा रहूंगा नहीं, ना सही रहेगा ना संपत्ति रहेगी नहीं। तो आधा अंतिम वर्तमान में करता था, जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में भी नहीं होता, पहले हमारा नहीं था और पीछे हमारा नहीं रहा तो पीछे हमारे बैठा हुआ। पहले मैं ये नहीं था और अगर ये मैं नहीं रहूंगा ये तो लाश यहीं पड़ जाए, पर मैं तो रहूंगा, तो फिर मैं ये पीछे मैं और मेरा कैसे हो गया, ये असल है। तो अब करना क्या, शरीर के द्वारा संपत्ति के द्वारा सबकी सेवा करना ये काम है। दिया था सेवा करने के लिए, कर लिया कब्जा, ये हम क्या देता, भगवान ने दिया था परमात्मा ने शरीर भी सेवा करने के लिए और वस्तु और कुटुंब भी हो गई संसार की सेवा करने के लिए, और उनको मांग लिया अपने लिए, अपने लिए कहते आप तो नित्य हो या अनित्य हो, आपको क्या निहाल करेगा, कितने धन बदोरो सब छूटेगा,
कितना ही बढ़िया शरीर बना लो छूटेगा, ये जितना जो अपना अपना नाम दे सब छूटेगा, सबका समझ नीचे होगा। तो इनके द्वारा हित करो, दूसरों का हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, करो भूत हिते रता। आप निर्गुण की प्राप्ति चाहते हो तो ये बताएगा लगन के ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करते, निर्वाण पद उसकी प्राप्ति कैसे होती है? लगन दे ब्रह्म निर्वाण ऋषे क्षीर कल मिन्नतेमान सर्वभूत हित रथा, प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए। लोभी की जैसे धन में रति होती है, भोगी की जैसे भोगों में रति प्रीति होती है, जैसे उनमें आकर्षण होता है, प्रियता होती है, ऐसे सबके हित में रति होनी चाहिए। सबका हित कैसे हो? सबका हित कर सको, ये स्थापित निर्पहर की बात। सब संसार मिल करके एक आदमी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, तो एक आदमी संसार की इच्छा की पूर्ति कैसे कर देगा? तो आपकी रति, आपकी प्रीति, आपका ध्येय हो गए, सबको सुख कैसे हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, इस भावना में क्या बता लगती? ये भावना दृढ़ होने से आपके पास में कामना धामना मान विद्या वृद्धि अधिकार पद योग्यता जो कुछ होगी वो दूसरों के हित में लगेगी, क्योंकि दूसरों के हित में रहती है, आपकी प्रीति है। जो शरीर में प्रीति है तो पोषण करोगे, कुटुंब में प्रीति है तो कुटुंब का पोषण करोगे, धन में प्रीति तो धन को इकट्ठा करोगे। ऐसे सबके हित में प्रीति हो जाएगी तो सबका हित होगा आपके द्वारा, और क्रियाओं के पदार्थों के द्वारा हित आप बहुत थोड़ा कर सकोगे, और भावना के द्वारा बहुत हित होगा, और पदार्थ और क्रियाओं के द्वारा हित का पुण्य इतना नहीं है जितना कि भाव के द्वारा है। भाव असीमित होता है, वस्तु सीमित होती है, सीमित खर्च करने से सीमित फल मिलता है और असीम से असीम फल मिलता है। तो सर्वभूत हिते रहता से ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सबका हित कैसे हो? वो हित कैसे हो उसमें अपने संप्रदाय का है कि नहीं, ये भाव भी नहीं, हित कर रहे नियम पालन करने में अपने अपने संप्रदाय उसके तरह करो, पर हित करने में ये नहीं हमारे के सनातन का हित करेंगे, हमारे हिंदू हित का हित करेंगे, मुसलमानों का नहीं, ये हित पूरा नहीं होगा। सर्वभूत हित रहता लिखा है, सर्व मनुष्य इतने प्राणी मात्र, चाहे वो किसी मत का है, किसी संप्रदाय का है, किसी सिद्धांत को मानने वाला है, इसके सिवा वो कैसे आचरण वाला है, कैसे उसका भी हित करो। आपके तो अभी तो उनको दैन देना नहीं चाहिए, अरे नहीं देने में हित है, उनका देने में अहित होगा। हित की भावना कभी भी हटती नहीं। भगवान राम गए लंका में तो वहाँ अंगद को भेजा है रावण के यहाँ झूठ बना करके, तो वहाँ क्या था? काज हमारे सासु हित होई, रावण से ऐसी बात करना काम तो हमारा बने और हित रावण का हो, बिल्कुल बैर है। सीता जी को ले गया, लड़ने को तैयार है, दुष्टता की पूरी रोनाल बुलाने वाला होने से रावण हो, परंतु उसका हित हो वैसे करना, काम तो हमारा हो जाए, काम तो मामूली चीज, एक बड़ी चीज है। तो राम कहते हैं काज हमारे सासु हित हो, उसका हित हो वो काम करना। तो प्राणी मात्र के ईश्वर से राम अनुबल की नाऊ, राम जी ने अनुबल किसा नहीं किया, अहित किसी का नहीं किया, किसी का नहीं किया, क्योंकि रावण को मार दिया, मारने पर भी बैकुंठ में भेजा, बैकुंठ हुआ उसको। रावण ने कहा है एक रामायण में कि आप समझते हो कि हमारी विजय हुई, विजय आपकी नहीं है, विजय मेरी है। कहते हैं मेरे जब तक प्राण रहे आपको लंका में पैर नहीं रखने दिया, आने दिए दिया भीतर में, और आज आपके सीधे हुए आपके गांव बैकुंठ में जा रहा हूँ, रोकी है होता है किसी विजय हुई, तो विजय मेरी हुई, तो आप तुम्हारी विजय राम जी की विजय, मातृ प्राणी का हित हो जाएगा उद्देश्य, इनके उद्देश्य की सिद्धि हुई। वह अहित नहीं है किसी का भी, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति,
सब जितने हैं स्वर समृत सकल जगमाही सुखने परमारनाही सुख उपकारी तुम तुम्हार सेवक उपकारी भगवान और भगवान के प्यारे भक्त ये दो ही भगत ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के बिना दूसरे का हित करते हैं रात दिन हर समय उनकी हिते रता प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति है स्वाद है उनकी रुचि है। जैसे भूखे की अन्न में रुचि होती है प्यासे की सर में रुचि होती है इस तरह से संपूर्ण के हित की जिनको भूख लगी है तो ये दो ही है एक आप एक आपके सेवक भगवान के राज तो ये दोनों सबके हित में रत है। अब इस हित में रत हो जाए नहीं भगवान के दास हो जाएंगे तो भगवान के दास हो जाएंगे ये भक्ति हो गई और भगवान के स्वरूप हो जाएंगे ये ज्ञान हुआ तो स्वरूप में मिल जाएंगे ज्ञान हो गए तो ज्ञानी का भी ऐसा ही होता है भक्त का भी ऐसा ही होता है पर जो स्वार्थ ही होता है अपना मतलब करना चाहता है वहां ज्ञान है ना भक्ति है वहां तो पशु बना है वो बन जाते वो बंद कर देता ऐसे अपने स्वार्थ में आदर काम करते हैं ये मनुष्य बना नहीं है